अबे पहले केक तो कटोने दो बच्चों के मामू भैया। तो गाइस सुबह के 10 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं हल्का फुल्का सा डेकोरेशन का काम, जो कि आप देख रहे हैं दब्बू के लिए हैप्पी बर्थडे का मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और अभी और ये देखिए ज़रा, ये क्यूटनेस की दुकान उठ चुकी है और बच्चे सो रहे हैं अभी, जैद दावर दोनों। और अभी जब दब्बू उठ जाएंगे तो हम उन्हें बहुत सारा सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं इससे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन मैच करके जल्दी से बलून्स की डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो गाइज हमारी हल्की फुल्की सी डेकोरेशन बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा कुछ डेकोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब बलून्स गली में ही जाते हैं तो बच्चों के मज़े आ जाते हैं, क्योंकि जैद दावर दोनों खेलेंगे इनसे। और ये उठ के बैठ गए हैं दब्बू के सरप्राइज शुरू होने से पहले। अरे मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं। तो जल्दी से गाइस मैं दब्बू के टॉयज निकाल लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो सुबह के 10 बज गए हैं और जैद और दावर अभी सो रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान। बर्थडे एक का है, फिर भी गिफ्ट्स तो दोनों के लिए ही लेने पड़ते हैं, है ना दानिश? और ये सबसे पहले उड़ गए क्योंकि हम दोनों में से किसी एक को तो फिर इनमें अपने इन्हें अपने आप में ही लगाना हो जाता है ना दब्बू? क्यों उड़ गए हो जैन? दब्बू का बर्थडे ना। तो गाइज बहुत ही अच्छा वाला सीन है, मैं गिफ्ट्स निकाल रही हूँ, पैक में कर नहीं पाई क्योंकि रात में व्लॉग एडिट कर रही थी और एडिट करके मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। और दानिश की थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रही है, उनको पेन हो रहा था तो मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने उनको बोला आज आप फुल नाइट आराम करोगे और सुबह मेरे साथ जल्दी उठ के हम थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे दब्बू के लिए, जो कि हमने कर ली है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। और अभी है गिफ्ट्स खोलने का सीन, तो गिफ्ट पैक नहीं हुए हैं तो देखती हूँ मैं क्या करें इनका गिफ्ट का, किस तरीके से लगाए इनको। तो दानिश कह रहे हैं कि हम इनको ऐसे ही रख देते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि बच्चे सो रहे हैं और जल्दी से मैं उनके गिफ्ट्स लगा देती हूँ अंदर और उसके बाद में फिर हम जैद और दावर को उठाते हैं, है ना जैन? ठीक है, ठीक है शाना? अले गाइज ये हैं दावर के और जैद के भी, इन दोनों के गिफ्ट्स। तो ये मैं अंदर लेके चल रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सेटअप बिल्कुल तैयार है। तो गाइज मैंने दावर के सारे ही खिलौने निकाल लिए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और मैं भी आपको एक एक करके बता देती हूँ। ये पता नहीं क्या है, वो कुछ घुमाने का होता है, दानिश ने लिया था। और ये लाइटिंग वाली गन है, स्पिनर है और ये लाइटिंग वाली गन है, इसमें से लेज़र लाइट निकलती है। और ये दो लेज़र लाइट है जैद दावर दोनों के लिए। और ये हैं फैंसी टॉय तीनों, जो कि अब से पहले भी हैं और ख़राब भी नहीं हुए लेकिन अच्छे लग रहे थे, डोरेमोन का था तो मैंने इसलिए ले लिया। और ये है एनिमल्स का सेट, जो कि दावर को एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अपनी मम्मा पे गया है बिल्कुल। मुझे भी एनिमल्स बहुत पसंद है। ये जो डॉट गेम है ये मैं जैद के लिए लेकर आई हूँ, काफ़ी टाइम से मांग रहे थे मुझसे, तो दोनों ही खेल लेंगे माशाल्लाह से। मैग्नेट वाला है तो काफ़ी अच्छा है। और ये है दावर की कार, जो कि कल के व्लॉग में दब्बू बोल भी रहे थे कि मुझे कार चाहिए जो रोबोट बन जाती है, तो ये रोबोट वाली कार है। और ये है दोनों योयो, दोनों का एक एक। और इसमें है ये जो स्प्रिंग जैसी बैंगल्स टाइप जो होती है ये बच्चों के खेलने के लिए,
तो ये भी दोनों की एक एक है, जैद की और दावर की। और ये है डिजिटल स्लेट, जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ से बटन प्रेस करेंगे और ये चला जाएगा। तो मैंने इस पर लिख दिया है हैप्पी बर्थडे दावर, जो कि मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ कि तब्बू जब उठेंगे तो देख लेंगे। और अब मैं खोलने जा रही हूँ अपनी फेवरेट बॉल्स का बॉक्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसमें आवाज़ आती है और ये जलती भी हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बच्चे अपने मुंह में भी ले सकते हैं इसको टू थर्ड टॉय बनाकर। तो मुझे ये बहुत पसंद है और इसका मैंने पूरा बॉक्स ले लिया था इसलिए। और ये मैंने दब्बू के लिए लिए हैं क्योंकि जैन के लिए लिए हैं क्योंकि जैन को बहुत अच्छे लग रहे थे ये टॉयज़, तो मैंने जैन के लिए एक पैकेट इसका भी ले लिया। और ये दो हैं गाड़ियाँ, जो कि दावर को बहुत अच्छी लगती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। जो भी मुझे सबसे बेस्ट नज़र आई मैंने वो ले ली। और लैम्बोर्गिनी उसे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने लैम्बोर्गिनी ली है उसके लिए। और ये सारे टॉयज सबसे बेस्ट, ये पांडा इतना क्यूट लग रहा था, मैंने ले लिया इसको भी। और दावर को डॉग बहुत पसंद है, तो ये मैंने इसके लिए एक डॉगी भी ले लिया है, जो कि मैं भी इसको जब दब्बू उठेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वो। गुड मॉर्निंग, तो मेरा शोना बेटा उठ गया है। शोना गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग गाइस। ए आवाज़ तो निकल नहीं रही है। तो जैद आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और टाइम हुआ है 10:30, 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब बारी है बर्थडे बॉय की, जो कि बड़ी ही बुरी तरीके से सो रहा है। तो अब मैं उनको उठा देती हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग, मिला बच्चा। गुड मॉर्निंग मम्मा, हैप्पी बर्थडे है शोना। देखो उधर शूट हो रहा है आपका। ओके चलो अपनी आईज बंद कर लो, आईज बंद करो, खोलना नहीं आईज, है ना। और अब मेरी गोद में आ जाओ ऐसा करके, खोलना नहीं। चलो चलो आ जाओ, आईज बंद करो तुम भी। चलो अब हम खोले अपनी आईज, खोले आईज अपनी। ये देखो अपने टॉयज, मैं सब लेकर आ गई। रोबोट वाली कार जो रोबोट बन जाती है, हैं? कैसा लगा? अली मिला बच्चा, थैंक यू की बात थोड़ी है, मैं मम्मा नहीं हूँ, मम्मा पापा तो ऐसे ही करते हैं। हाँ भाई, और वो कैसा लग रहा है जैन? अच्छे लग रहे हैं टॉयज। चलो चलो जल्दी जल्दी सब अब चेक करेंगे हम, है ना, कि क्या क्या लेकर आए, सही है शोना?
हेलो दो नावर वाओ ये नावर कैसी लग रही है शोरा कैसी लग रही है कैसे ना और दानिश यहाँ पे चालू कर रहे हैं डावर की गन डावर उधर देखो उधर लेजर लाइट जा रही है इसमें से दानिश क्या हुआ लो ज़ेन को बड़ा ही रोना आ रहा है क्योंकि ये अभी रोबोट वाली कार तोड़ने वाले थे और जेड से जेड ने ले ली इनके हाथों में से तो ये किलस गए बड़ा सही वाला दावर शोना तुम ये मांग रहे थे ना मम्मा से बच्चों को ये टॉयज अच्छे लग रहे हैं गाइस मॉर्निंग बहुत अच्छी रही आज की और बच्चों को सरप्राइज भी दे दिया गिफ्ट्स भी खोल लिए बच्चों ने और सब कुछ बहुत अच्छे से देख लिया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चों को टॉयज और बहुत खुश हैं और नाश्ता तो मुझसे मांगेंगे नहीं मुझे पता था नाश्ता कि आज का सारा दिन हो जाएगा खाना भी नहीं मांगेंगे क्योंकि टॉयज से ही जो पेट भर लिया इन लोगों ने तो लेकिन मैं मम्मा हूँ तो मुझे तो ख्याल रखना पड़ेगा और दानिश मेरे पीछे ही लेटे हुए हैं क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठा दिया था तो उनको अभी भी नींद आई जा रही है तो इसलिए मैं जल्दी से जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए और उसके बाद में कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको कि क्या सीन है शाम में कुछ स्पेशल सीन है दब्बू के लिए तो इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में बताती हूँ आपको देखते रहिए आगे वीडियो तो मैं बना रही हूँ नाश्ता जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ उधर चाय रेडी हो रही है और यहाँ पे बच्चों का दूध भी गर्म कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें कैलॉक्स वगैरह डालूंगी और बच्चों को नाश्ता देती हूँ और हम भी नाश्ता करेंगे अब क्योंकि टाइम बहुत हो गया 12 बज गए हैं तो जल्दी से अब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद खाने की तैयारी होगी इंशाल्लाह खोल लो शोना मेरा बच्चा अरे निकालो अच्छा लग रहा है शोना हाँ। मुझे इसमें सबसे अच्छा ना एलिफेंट लग रहा था दिखाओ वाव बिल्कुल टाइगर भी अच्छा लग रहा है बिल्कुल रियल लग रहा है इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है दिखाना और क्या है शोना और मुझे सबसे रियल भालू लग रहा है भालू प्यार वाव बहुत अच्छे हैं शोना ये है ना जंगल का राजा शेर राइनोसोरस वाव बहुत अच्छा लग रहा है ये भी बहुत ओरिजिनल लग रहा है ये है ना शोना चलो अब अपना जंगल बना लो इनसे चल जाओ मैं सलाम करना होना ठीक है चलो हैप्पी बर्थडे जाओ दब्बू थैंक यू बोलो शाना तो दावर आ गए हैं आओ इधर आओ शाना दावर के चाहने वाले आए थे इंस्टाग्राम से उन्होंने देखा कि आज दब्बू का बर्थडे है तो वो घर पर आए थे क्योंकि हमारे एरिए के ही हैं तो इसलिए वो दब्बू के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं शोना आओ जल्दी से अपना गिफ्ट खोलो और दावर के साथ में खूब सेल्फियां हुई हैं खूब वीडियोस वगैरह बनी हैं माशाल्लाह से दब्बू को बहुत पसंद करते हैं सब पता नहीं शोना देखते हैं इसमें क्या है अरे अरे मेरे बच्चे के लिए कार आई है शोना के साथ रिमोट कंट्रोल भी है
रिमोट कंट्रोल का रहा है ये, अरे वाह, निकालो आराम से आराम से, रुको रुको, बहुत आराम से, बहुत जल्दी हो रही है पूरा, अरे वाह, भाई देखेंगे कितना खुश हो जाएंगे। हाँ, के मौलाना आए हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो वो गए हुए हैं पढ़ने, वो हमारा व्लॉग्स देखेंगे, उनको बोलो इसके अंदर बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे जैन, जैन तैयार हो गए हैं, क्यों तैयार हो शोना, कहीं जा रहे हो? और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जैन ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो हैं, जैद इधर आओ यहाँ पे, वो कपड़े हैं जैद के, शोना याद है तुम्हें, याद है तुम्हें मेरे, नहीं ये तुम्हारे कपड़े, तो ये कपड़े जो जैन पहने हुए हैं ये कपड़े हैं जैद के, और ये कपड़े दब्बू ने भी पहने हैं, अरे और जैद के कपड़े थे ये माशाल्लाह से। अरे मेरा बच्चा बहुत प्यारे लग रहे हो शोना, तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं कहीं जा रहे हो? अरे मतलब ये देखो कि इसको गाड़ी पर चढ़ना सिखाया किसने, अपने आप और दावर बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपना बर्थडे, क्योंकि बहुत मजे आ रहे हैं दब्बू को, है ना, सोचा नहीं था ना इतने गिफ्ट लेकर आएंगे मम्मा पापा, है है नहीं सोचा था, क्योंकि तुम्हें पता था सब कुछ। ओए नोटी नोटी बच्चे, क्यों डांट रहे हो हमें क्यों डांट रहे हो? कहाँ के लिए तैयार हुए वो ये स्लीपर पहन के कहाँ के लिए तैयार हुए हो, कहाँ जा रहे हो? गाइस जो मैंने आपसे जिक्र करा था कि शाम में हम कुछ प्लान कर रहे हैं दावर के लिए, कुछ उसके बर्थडे के लिए, तो वो प्लान ये था जो मैंने आपको नहीं बताया था कि शाम में मैं जा रही हूँ पापा के घर पे, क्योंकि अम्मी पापा ने वहीं पे बुलाया, छोटी वाली सिस्टर्स वगैरह ये सब लोग, उन लोगों ने मुझे बोला कि हम दावर के लिए यहीं पे कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो दावर को अभी पता नहीं है, और मैं दावर को लेके जा रही हूँ पापा के घर पे। बाकी का इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो शूट करूंगी और आपको दिखाऊंगी, तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए मेरी नानी के आ गए, तो मैं आ गई हूँ पापा के घर पे। रुकिए इतनी तैयार क्यों हुई? चलो भाई चलो हटो, रास्ता छोड़ो जल्दी से, और एसी चला दो, बहुत गर्मी हो रही है ना जैन? चलो भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बच्चों की चीज है, जो कि अभी तक वो मांगने वाला मुझे बिल्कुल सही से पता, ये देखिए आप ये सब, और ये बर्गर पिज्जा
ये सब चॉकलेट वगैरह मैगी, ये यहाँ कोल्ड ड्रिंक की फ्रीजर्स और यहाँ पैकेट है। अगर आपको लेने तो आप यहाँ ले सकते हो। पिक्चर भी है ऊपर, ये देखिए आप, ये देखिए यम्मी यम्मी। यहाँ ये सब सामान भी मिल रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए ये देखिए आप, कितने यमी यमी लग रहे हैं। डब्बू की फुल फरमाइश ही चल रही है बच्चे पे अपने, फील्ड हो रखा है सब कुछ। यहाँ पे थोड़ी सी आगे पता नहीं क्यों गर्मी लगती लाइट्स में। यार ले बिस्किट, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये ब्लैक वाले। पापा ये वाले बिस्किट ले सकते हो? ये वाले बिस्किट ले लो। चलो ले लो पापा, मैं आती हूँ। ये पापा ने दो बिस्किट ले लिए और ये डब्बू की फरमाइश ही चल रही है कि पापा साइकिल डोनट ये वो ये सब दिला दो। अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं। झूमर भी टंगे हुए हैं। इसमें कुछ है थोड़ी, क्या है? सीसीटीवी कैमरा, मिठाइयाँ भी हैं। ये देखिए एंट्रेंस, देखो कितना बड़ा झूमर, यहाँ बैठ के खा सकते हैं। ये आइसक्रीम भी है। तो गाइस हमारा केक कटने का सीन स्टार्ट हो चुका है और आप देखिए हमारा केक माशाल्लाह से, और इस पे मैंने बड़े ही प्यार से लिखवाया है और बड़ी ही उम्मीद से कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर यूट्यूबर दावर मलिक जो कि ये बनेंगे, है ना दावर, यूट्यूबर बनना है। अरे मेरे बच्चा अभी जरा गिफ्ट में मसरूफ है। और ये बन गए हैं दावर के कुर्ते पजामे, मतलब दावर और जैद और जैन देख सकते हैं आप, कि एक के बदले नानी नाना ने तीन तीन बना दिए। शोना मैं कह रही थी ना आपसे कि बन जाएंगे आपके। और दब्बू को बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा, अपने गिफ्ट भी खोल खोल के देख रहे हैं कि अंदर क्या है। तो नानी को थैंक यू बोलो। और यहाँ पर है मामू भैया, बच्चों के मामू भैया। और वहाँ बैठे हुए हैं दानिश और वाइद भाई और पापा। पापा हाय कर दो। और हाँ, और ये बैठी है हमारी हानिया और ये है यब्बी। और जैन कहाँ है भाई? जैन कहाँ है? जैन जरा मसरूफ है, स्पून लेकर उनसे खेल रहे हैं, लिपस्टिक से खेल रहे हैं। तो शोना आप केक कट कर लेते हैं हम। तो गाइस मुझे पहले गिफ्ट पता था क्या क्या है। हाँ तो वो तुम्हारा बर्थडे नहीं था ना, इसलिए पता था। जब तुम्हारा होगा तो दब्बू को पता चलेगा। तो अब हम कर लेते हैं केक कट। तुम भी खोल लो दावर। बड़ा ही जबरदस्त सीन चल। अबे पहले केक तो कट होने दो। नहीं अभी रुक जाओ, केक कट होने दो, रुक जाओ। ये देखो इनके बच्चों के मामू भैया, ये पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। वाओ दिखाओ तो सही। दब्बू दिखाओ क्या है बेटा। अरे वाह, ये तो मम्मा नहीं लेकर आई थी। अब इसमें क्या? बड़े बदतमीज। क्या जल्दी बताओ। Thank you.
गाइस हम पापा के यहाँ से आ गए हैं और दब्बू का बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया, बर्थडे उसका बहुत अच्छे से हो गया। बच्चे बस खुश हो जाते हैं गिफ्ट्स लेके, क्योंकि मैंने उसको यही बता रखा है कि बिना फालतू में गिफ्ट्स नहीं मांगते किसी से, या मम्मा पापा भी ऐसे नहीं लाकर देंगे। या तो बर्थडे पे बिना मांगे गिफ्ट मिलते हैं, या फिर कुछ करना पड़ता है आपको, या तो कोई चीज मैं इसको याद करने के लिए देती हूँ या कुछ भी मतलब। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि बर्थडे एक का होता है लेकिन गिफ्ट्स तीनों के लिए आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा गया आज का दिन, और बहुत ज्यादा थकान वाला भी गया, क्योंकि सारी रात बस मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी कल का, और उसके बाद में सुबह से ही हमारे सरप्राइजेस शुरू हो गए थे बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा गया आज का दिन। तो गाइस बस आपसे भी यही दरखास्त है कि आप भी बच्चों के लिए दुआ कीजिए, यही उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो बस दुआओं में याद रखिए, और मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।